नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको पहली बार दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना की विशेष जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे बुलेट ट्रेन स्टेशन की जानकारी तथा बताएंगे कि कहां पर होगा भूमि अधिग्रहण एवं आपको इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की संपूर्ण जानकारी के साथ इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत में जब बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनी तो इसमें सर्वप्रथम मुंबई से लेकर के कर्णावती तक अर्थात वर्तमान के अहमदाबाद को चुना गया था तथा इसी के साथ देश में और भी कई प्रमुख नगरों को बुलेट ट्रेन की सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग 7 और मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाने का निर्णय हुआ। इसमें मुंबई अहमदाबाद के साथ ही दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई नागपुर, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई मैसूर, दिल्ली अमृतसर तथा वाराणसी हावड़ा सम्मिलित हैं। आइए अब हम आपको दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी देते हैं। बता दें कि दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अर्थात DAMHSR परियोजना 465 किलोमीटर की प्रस्तावित हाई स्पीड रेल लाइन है जो दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के 13 स्टेशनों के माध्यम से जोड़ेगी, जिसकी परियोजना लागत 61,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। बता दें कि यह दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना 2019 में भारत सरकार द्वारा नियोजित 6 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से चौथा है, जिसके लिए परियोजना पर निर्माण आरंभ करने के लिए अक्टूबर 2020 में आधारभूत निविदा गतिविधियां आरंभ हुई थी। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना की विशेषताओं की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी तथा परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसका ट्रैक गेज मानक गेज होगा अर्थात 1435 मिलीमीटर तथा एक ट्रेन की क्षमता होगी 750 यात्रियों की एवं यह भूकंप के मामले में स्वचालित ब्रेकिंग के लिए तत्काल भूकंप जांच एवं अलार्म सिस्टम से सज्ज रहेगी। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना में स्टेशनों की संख्या होगी 13, जिसके नाम आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हैं, जिसमें हैं दिल्ली, असौधा, रोहतक, जिंद, कैथल, संगरूर, मालेरकोटला, लुधियाना, जलंधर एवं अमृतसर। यही नहीं, इस परियोजना में एक स्पर भी होगा जो संगरूर, पटियाला, राजपुरा और चंडीगढ़ तक जाएगा, अर्थात दिल्ली व अमृतसर सीधा चंडीगढ़ से भी जुड़ जाएगा। दिल्ली अमृतसर HSR परियोजना के रूट मैप की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि प्रस्तावित दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मध्य हरियाणा के माध्यम से एक ग्रीनफील्ड मार्ग लेगा और आंशिक रूप से दिल्ली, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेसवे के संरेखण का पालन करेगा। यह हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी के लिए मध्यवर्ती नगरों के सड़क नेटवर्क की मुख्य सड़कों से गुजर सकता है और ट्रेन दिल्ली के द्वारका से आरंभ होगी और सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, मोहाली, लुधियाना, जलंधर और अमृतसर में रुकेगी। दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि इसके सर्वे का कार्य IIM दिल्ली रिसर्च की ओर से किया जा रहा है, जिनकी 12 टीमें पंजाब में पहुंची हुई हैं। जिस रूट से बुलेट ट्रेन को निकलना है उनके किन गांवों की कितनी भूमि और किस किस भूमि पर आ रही है, इसका कार्य आरंभ जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव डंडियाड़ा से हो चुका है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अमृतसर से दिल्ली के लिए बनने वाले बुलेट ट्रेन का सोशल इकोनॉमिक सर्वे का कार्य आरंभ हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने अमृतसर से दिल्ली की ओर वाया चंडीगढ़ हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाने को स्वीकृति दे दी है और इसके लिए रूट फाइनल कर लिया गया है। बता दें कि ट्रेन दिल्ली के द्वारका से चलेगी और सोनीपत, पानीपत होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी, जहां से यह लुधियाना, जलंधर होते हुए अमृतसर तक जाएगी। सभी स्थानों पर इसके अलग से रूट व स्टेशन होंगे, जैसे कि चंडीगढ़ में इसका स्टेशन मोहाली में बनाया जाएगा, जिसके लिए अलग से सर्वे होगा। अभी केवल रूट फाइनल हुआ, जिसमें 365 गांवों की भूमि आ रही है। इसके रेल ट्रैक के लिए
55 फीट चौड़ा रकबे का आवश्यकता होगा और ड्रोन से पूरा रूट तैयार कर लिया गया है। अधिग्रहित होने वाली भूमि क्या मोटर आदि लगी है, पेड़ है अथवा मकान बना हुआ है, इसका सर्वे करके रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तत्पश्चात मिट्टी की जांच आदि का कार्य आरंभ होगा। 12 टीमें प्रतिदिन लगभग 12 गांवों के लिए सर्वे कर रही हैं और प्रतिदिन का डेटा अपडेट करके भेजा जा रहा है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि डांडियाड़ा के 36 लोगों की 15,614 फीट भूमि आ रही है। गाँव वासी अवतार सिंह संधू की 3 खेतों की लगभग 2 कनाल भूमि 2,914 फुट आई है। महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली से अमृतसर तक बुलेट ट्रेन चलाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है और इसके लिए हाल ही में ड्रोन से सर्वे किया गया है। सर्वे करके इसके रूट और ट्रैक के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि से संबंधित रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रूट की लंबाई लगभग 476 किलोमीटर की होगी। बुलेट ट्रेन किन जिलों के कितने नाले, नहरें, ड्रेन, सड़क मार्ग, रेलवे ट्रैक, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे को क्रॉस करेगी, कहां पर सुरंग बनेगी और कहां पर स्टेशन बनेंगे, इन सभी जानकारियों से संबंधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR तैयार किया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के रास्ते दिल्ली से अमृतसर तक के रूट में हर जिले में एक नया स्टेशन बनाया जाएगा। इससे पहले बुलेट ट्रेन को बहादुरगढ़ के रास्ते चलाने का सर्वे किया गया था जिसमें दिल्ली से वाया बहादुरगढ़, रोहतक, जिंद और अमृतसर तक इसका सर्वे किया गया था, परंतु इस प्रोजेक्ट के कॉमर्शियल विजन के अंतर्गत अब दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन दिल्ली से हरियाणा के झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिले के कुल 136 गांवों से गुजरेगी। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर ही यह ट्रेन सीधी चलेगी। इसके अनुसार ही रूट डिजाइन किया गया है। बुलेट ट्रेन का रूट 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से ही डिजाइन किया जाएगा, जिस पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन की आरंभ के पश्चात दिल्ली से अमृतसर तक की यात्रा समय 5 घंटे से घट करके 2 घंटे ही करना है। इस प्रोजेक्ट पर 61,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।